Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ Sayne. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाउ स्किन साइंस के एक न्यू लॉन्च्ड सीरम का रिव्यू. सो ये सीरम मैंने काफी दिनों से इस्तेमाल किया है आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने के लिए, एंड मुझे आप लोगों के साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो आपको जानना जरूरी है इस सीरम को परचेज करने से पहले या इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज ये कौन से स्किन टाइप्स के लिए अच्छा वर्क करता है. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ये पिम्पल्स क्रिएट करता है कि नहीं, क्या इसमें कोई केमिकल्स है, क्या ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बना है, एंड अगर है तो कितना परसेंटेज में नेचुरल इन्ग्रीडियंट है इसमें. So, सब कुछ मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर हिट करना. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये सीरम है वाउ स्किन साइंस ऑयल फ्री कफीन फेस सीरम. अब इस सीरम बॉटल में ही लिखा है दैट इट इज ऑयल फ्री, एंड मैंने इसे इस्तेमाल किया है एंड डेफिनेटली इट इज ऑयल फ्री सीरम. बहुत ही लाइट वेट सीरम है और ये बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन में. बट मेक श्योर करें कि आप इसको इस्तेमाल करने के बाद मॉइस्चराइजर या क्रीम अपने फेस पर जरूर इस्तेमाल करें, बिकॉज दिस इज ऑयल फ्री सीरम. मतलब इसमें कोई ऑयल जैसा कोई मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं है. ये आपके स्किन में बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी. दैट्स वाई आपको इसे इस्तेमाल करने के बाद एक मॉइस्चराइजर जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब जान लेते हैं कि इसे कौन कौन से स्किन टाइप्स या कौन कौन से स्किन इश्यूज अगर आपके हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कफीन है, एंड कफीन हम सबको पता है कि इस कफीन में एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं. सो डेफिनेटली अगर आपकी एजिंग स्किन है या फिर आप एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं बाय यूजिंग सीरम्स एंड ऑल, तो आप इसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस को बहुत ही ज्यादा लिफ्ट प्रोवाइड करता है, टाइटन करता है, ताकि रिंकल्स ना बहुत रिड्यूस हो जाए, रिंकल्स फेड हो जाए. दैट्स वाई तो इसका एक एंटी रिंकल इफेक्ट है. सेकेंड पॉइंट इज कि अगर आप अपने फेस को टोन करना चाहते हैं, इवन टोन करना चाहते हैं, अपने डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स को फेड करना चाहते हैं, या फिर अगर स्किन पिगमेंटेशन है, स्किन टोन अनइवन है, तो आप इसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कफीन में ये सारे बेनिफिट्स हैं कि ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस कर सके या फिर अनइवन स्किन टोन या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सके. एंड डेफिनेटली ये स्किन को तो ब्राइट करता ही है, क्योंकि कैफीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. टायर्ड स्किन के लिए काफी अच्छा है क्योंकि स्किन को इंस्टेंटली एक फ्रेश लुक देता है. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्किन टाइप्स. तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, बेसिकली ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज दिस फेस सीरम, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा, क्योंकि मेरी स्किन ना थोड़ा सा सेंसिटिव है, ड्राई प्लस सेंसिटिव है. ड्राई बिकॉज एक्सट्रीमली ड्राई है मेरी स्किन, सेंसिटिव बिकॉज काफी सारे इन्ग्रीडियंट्स मेरी स्किन पर सूट नहीं करते एंड आई फेस ब्रेकआउट. बट इसको इस्तेमाल करके मुझे कोई ब्रेकआउट की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद फेस को टोन कीजिए, उसके बाद इस सीरम को अपने पाम्स पर लेकर 2 to 3 ड्रॉप्स लीजिए, उसके बाद इसे अपने फेस पर डैप कीजिए. इसे रब मत कीजिए, मसाज मत कीजिए, जस्ट डैप कीजिए. बहुत ही लाइट वेट है तो इजीली ही आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है. 2 times a day आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. हेल्प्स टू रिड्यूस सेल्यूलाइट इन आवर स्किन, और इसमें ना बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से स्किन में अगर इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है या फिर रेडनेस है तो उसे भी ये रिड्यूस करता है, विच इज ग्रेट. और एक्ने को ट्रीट करने के साथ साथ ये स्किन को काफी अच्छे से ब्राइटन करता है. इसका जो इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज जो भी इन्ग्रीडियंट्स इसमें है वो हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. सो इन्ग्रीडियंट्स में इसमें कैफीन है, कॉफी एक्सट्रैक्ट है, तो इसमें ना सारे ही नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड इन्ग्रीडियंट्स है. नाउ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कितना परसेंटेज में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि सभी तो बोल देते हैं कि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन हमें तो नहीं पता चलता कि कितना परसेंटेज में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है. 30 ml क्वांटिटी है इस कैफीन सीरम की, एंड इसमें है 98.10% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स.
ऑल्सो वाउ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री होते हैं, मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट एनिमल डिराइव्ड नहीं होता है, सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं सारे ही ऑल ओवर इंडिया से सोर्स किए जाते हैं। इनफैक्ट जो वाटर इस्तेमाल किया जाता है दैट्स फ्रॉम हिमालयन स्ट्रीम्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जैसे कि पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, तो ये आपके स्किन पर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सेफ है। एंड यू नो वन थिंग, इनके वर्कफोर्स में करेंटली 80% ऑफ देम आर वुमेन, सो दैट्स ग्रेट। एंड इनके जो पैकेजिंग होते हैं ना दैट इज ऑल्सो इको फ्रेंडली, विच मीन्स की 30% पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल पैकेजेस से न्यू पैकेजिंग होती है। देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। और हाँ, मैंने इस सीरम को वाउ स्किन साइंस के ऐप से जाकर परचेज किया है। आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से उनका जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए एंड ऐप से ना परचेज करना बहुत ही ज्यादा इजी है बिकॉज ऐप को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऐप पर अलग अलग से कैटेगरीज है लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, कॉम्बो किट्स, प्रोडक्ट सिलेक्ट भी आप इजीली कर सकते हैं। प्रोडक्ट को जस्ट आप ऐड करें कार्ड पे एंड प्लेस द ऑर्डर, दैट्स इट। बहुत ही ज्यादा हैसल फ्री लगता है मुझे। और हाँ, एक और बात मुझे शेयर करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट आप रिसीव कर रहे हैं वो जेन्युइन या ऑथेंटिक प्रोडक्ट है कि नहीं, वो भी आप खुद ही पता कर सकते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको इस तरीके का एक स्टिकर मिलेगा येलो कलर का, सो दिस इज QR कोड। आप किसी भी QR स्कैनर से इसे स्कैन कर सकते हैं, तो स्कैन करने पर आपको खुद पता चलेगी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के बारे में, प्रोडक्ट डिटेल्स आपको पता चलेगी। मैंने भी स्कैन किया है और मैं सीरम को एवरी नाइट सोने से पहले इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है वो पूरी नाइट में रिपेयर हो सके, बिकॉज ये जो है ना कैफीन हमारे डल और टायर्ड स्किन के लिए काफी अच्छा है। एंड हाँ, मुझे काफी सारे चेंजेस भी दिखे हैं इन 2 हफ्तों में, क्योंकि मेरी स्किन पर ना काफी सारे बहुत ही लाइट डार्क स्पॉट्स थे जो कि अभी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया है, पूरा क्लियर हो रहा है मेरा स्किन। एंड आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि हाँ, योर स्किन इज लुकिंग वेरी क्लियर दीज डेज, क्योंकि ये सीरम डेफिनेटली डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है, स्किन को इवन बनाता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। सो आप इस सीरम को मॉर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नाइट टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मेन, वुमेन एंड इवन टीनेजर्स कैन यूज दिस सीरम। और आपको अगर सीरम को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, क्योंकि जो ऐप डाउनलोडिंग लिंक है और जो प्रोडक्ट लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। सो डू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।